हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो अभी जो ब्लॉग आप देखोगे ये है छोटी दीपावली का। मैं आ गई हूँ मेरे ससुराल में। बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ ही गया होगा एक्चुअली क्या है। वीडियो का स्टार्ट तो मैंने इसका किया हुआ था लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, उसमें वॉइस ही नहीं है, बिल्कुल वॉइस नहीं है। मैं थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, वीडियो स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो कैसी रही आपकी छोटी दीपावली प्लस दीपावली? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही होगी, हमारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही ससुराल वालों के साथ, मतलब घर वालों के साथ मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन वो ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। आज का जो ब्लॉग है ये हम आपको दिखाने वाले हैं हमने हमारे नए घर में किस तरीके से छोटे से परिवार के साथ अपनी दीपावली सेलिब्रेट की हुई है। सो ज़्यादा बातें ना करते हैं, चलो देखते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप लोग लाइक कर देना, लाइक नहीं करते हो कॉमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैंने बहुत सारी क्लिप एडिट कर दी क्योंकि मैं गाँव में हूँ तो यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। सो छोटी सी वीडियो रहेगी तो जल्दी से अपलोड भी हो जाएगी, आप लोग देख लोगे। अदरवाइज फिर मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम मतलब ऐसे वेट करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ लेके भटकना पड़ेगा, नेटवर्क इशू गांव में कितने ज्यादा है तो आपको पता ही है। तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ कुछ देर बाद, बाय। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो सोनम आरती की सिस्टर हैं, रंगोली बना रही हैं, बाबू उनकी हेल्प करा रहा है और हमारा मंदिर आ गया है नया मंदिर। तो हमने सोचा था जिस दिन अवध में श्री राम आए थे उसी दिन हम मंदिर में सारे भगवान जी को रखेंगे। एक्चुअली अभी ये मंदिर थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, जिन्होंने मंदिर बनाया हुआ था उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो दीप ने खुद से सेट किया और वही सेट ही कर रहे हैं आप देख सकते हो। इसके बाद फिर हमने जितने भी देवी देवता हैं हमारे घर में सबको रख दिया। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, सच में इतनी ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी जितनी खुशी आज हो रही है कि फाइनली हमारे भगवान जी को भी वो जो है मतलब एक अच्छा सा मंदिर उनका घर मिल गया है। तो वैसे तो भगवान जी अच्छे जगह आसन पे ही रखे गए थे लेकिन एक दिल में हो रहा था ना कि भगवान जी कहीं ये ना सोचे कि हमने इनको घर दिया बट ये देखो जब से वहाँ से आए हैं हमें ऐसे आसन पे रखे हुए हैं, सब कुछ दिया उन्हीं का है। लेकिन मन में एक डर जो होता है वो हमारे अंदर हो गया था तो अब फिलहाल वो डर हट गया। अब यहाँ पर देख लीजिए लक्ष्मी माता के शरण बन रहे हैं, स्वास्तिक बन रहा है, रंगोली बनाई जा रही है। तो इसको मैंने कहाँ से लिया था आप लोगों ने अगर नहीं देखा है वो ब्लॉग तो जाके देख लीजिएगा। हमने लोकल मार्केट लखनऊ से लिया हुआ था, कपूरथला कुछ शॉपिंग कपूरथला से, कुछ पत्रकारपुरम से। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, जो चलनी जैसा नहीं आता है रंगोली बनाने वाला उससे तो 100 टाइम बेटर हैं ये जो बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे से आसानी से बन गया। मैंने खूब सारे मिट्टी के दिए लिए हुए थे उस दिन कैंडल्स वाले वीडियो में लोग बोले थे तो मैं आपको बता दूं वो कैंडल्स मैं नैनीताल गई थी तो लेके आई थी क्योंकि वो भी घर पे ही बनाया गया है, नैनीताल का फेमस कैंडल है। तो उस वीडियो में लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ प्रमोट कीजिए वोकल फॉर लोकल चीज़ों को, ऐसे कैंडल्स वगैरह नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि नैनीताल में खुद वो लोग बनाते हैं तो वहाँ से था। हमने कोई भी कैंडल्स इस बार नहीं ली हुई थी, वो सारे पुराने कैंडल्स थे। बाकी वीडियो बैकग्राउंड के लिए हमें चाहिए होता है ताकि वीडियो अच्छा लगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने दिए अच्छे से सजा दिए, दीपक जला दिया। छोटी दीपावली घर में अपने घर में पूजा किए बिना हम नहीं जा सकते लेकिन ये भी है कि जब ससुर जी हैं हमारे ससुराल में तो हमें जो है वहाँ भी जाना था क्योंकि दीपावली होली या फिर कोई भी छोटा मोटा त्यौहार हो कोई फंक्शन हो बिना अपनों के पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर रंगोली बनके हमारी तैयार हो गई और दिए भी सारे जल गए। अब चलो हम पूजा कर लेते हैं। सो सॉरी कि हमने सारी क्लिप एडिट कर दी, थोड़ा थोड़ा सा ही हमने रखा। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से हमने पूजा की थाल तैयार करी, इसके बाद पति पत्नी मिलके माता की आरती, गणेश भगवान की आरती किए, इसके बाद धूप दीप जो भी जैसे होता है हम लोगों ने वैसा किया पूजा क्योंकि हमें घर निकलना था, लेट बहुत ही ज़्यादा हो गया था। सो हम सारी चीज़ अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं की, आपको पता भी है कि रिकॉर्डिंग में टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है और हमारे पास टाइम था नहीं। तो हमने कुछ इस तरीके से पूजा किया और अपने नए घर में हमने दीपावली सेलिब्रेट की अपने छोटे से परिवार के साथ। और अब दिए जलाएंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है सब जगह पे, पूरे घर में रोशनी करनी है। सो चलो चलते हैं दिए जलाते हैं,
देखिए पतिदेव भी पूजा कर रहे हैं, तो हम और नेहा दोनों जन मिल के रूम के हर एक कोने में जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा था कि यहाँ पर चाहिए, हर जगह पे हमने दिए लगाए। सॉरी कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ दिक्कत थी इसीलिए। तो अब चलो हो गया, सबसे पहले हमने फ्लैट के सामने रखा, इसके बाद अब चल रहे हैं हमारा किचन, वहाँ पर किचन क्योंकि यहीं से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, तो किचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद रूम में, बेडरूम में, स्टूडियो रूम में, नेहा के रूम में, बालकनी में, हर जगह दिए ताकि अंधेरा ना रहे घर में। तो रिकॉर्डिंग भाई ने की हुई थी, मोहित ने, उस टाइम उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कैमरा शेक कर रहा है। तो ये देखिए हम आ गए हमारी बालकनी में, और बालकनी में दिया रखा, इसके बाद बाहर का व्यू, ओ माय गॉड, दीपावली में लखनऊ देखने लायक लगता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लखनऊ ही क्या, दियों का समय, दीपक का समय, हर जगह जगमग जगमग सी रोशनी होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना। सो कुछ इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, कैसा लगा बताना ज़रूर। जो मन करे उनका दे देना। और ये लो, तुम्हारे बेटे का कपड़ा नहीं आया था तो उसको कपड़ा ले लेना। हाँ ले लेंगे, हम लोग गए थे, साइज का इशू था इसीलिए नहीं लेके आए, नहीं तो पहले जब एक कपड़े ले जाना, उससे पहले कपड़े ले लेना, नहीं तो कहेगा कि सिर्फ भाभी इन्हीं को देती है, तो उसको कपड़े दे देना। तो अब हम लोग घर से निकल चुके हैं, कहाँ पहुँच गए हैं आप देख ही सकते हो, इकाना पहुँच गए हैं, और यहाँ से दो ढाई ढाई तीन घंटे तो लग जाने हैं क्योंकि आज हम लोग काफ़ी रात में निकले हैं, तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले चलेंगे भाई को घर छोड़ने। बाय बाय, कल भी मतलब काका को उसके घर से उठा के आएंगे। तो हम पहुंच गए हमारे ससुराल, आप देख ही सकते हो पापा जी खड़े हैं, नंदन खड़े हैं, और मोहित की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा फीवर था, तो दिल दिमाग हमारा पूरा वहीं पर था। यहाँ पर भाभी लेके चाय आई हुई हैं, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पता है मेरे भाइयों को कुछ भी दर्द तकलीफ होती है ना, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा लगता है मेरी जान निकल रही है। तो बस मैंने उससे देखा था कि उसको इतना तेज़ फीवर है, देख लीजिए मैं वही सोच में हूँ, और एक क्लिप नेहा ने रिकॉर्ड कर ली हुई थी, तो अभी जस्ट एडिट करते टाइम मैंने एक क्लिप लगा दी, तो बस यही है, देखते हैं कैसे क्या होता है। कल से ही चल रहा है छोटी दीपावली से, समझ ही गए होंगे। और इधर एक मधुमक्खी बार बार आ रही है मेरे कैमरे के, बोल कैमरे के सामने बोल रही है मत रिकॉर्ड करो, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली। तो कल ये ब्लॉग मतलब छोटी दीपावली से ही चल रहा है, हम लोग लखनऊ ने पूजा किया, शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा ये ब्लॉग, है ना। तो अभी मैंने सोचा कि चलती हूँ छत पर क्योंकि रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, और पता नहीं ना बहुत पीला पीला सा आ रहा था,
तुमने कहा थोड़ा सा बाहर चलेंगे सनलाइट में, वीडियो अच्छा आएगा और ब्लॉग का एंड कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आज जो दीपावली वाला ब्लॉग आएगा उसे ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें कुकिंग वगैरह, इसके बाद पूजा, हम हमारे ससुराल वालों के साथ किस तरीके से दीपावली सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ दिखाएंगे। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो, बाय।